हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एमडीएस यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट सेकंड और उसके भी सेकंड पेपर सिस्टमैटिक बॉटनी, कहने का मतलब उसमें हम लोगों ने प्लांट टैक्सोनॉमी स्टार्ट किया था। और उस प्लांट टैक्सोनॉमी में पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को एंगलर पेंटल्स क्लासिफिकेशन बताया था। उससे पहले हम लोगों ने वर्ल्ड वाइड बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन देखा था। आप लोगों के लिए केवल यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्डर इज, मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली इज, मोस्ट एडवांस फैमिली इज, मोस्ट प्रिमिटिव डाइकोट फैमिली इज, मोस्ट एडवांस मोनोकोट फैमिली इज, मोस्ट प्रिमेटिव डाइकोट फैमिलीज, मोस्ट प्रिमेटिव मोनोकोट फैमिलीज, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अकॉर्डिंग टू एंगलर पेंटल मोस्ट प्रिमेटिव मोस्ट एडवांस फैमिली, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अच्छी बात यह है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे गुरुजन, वो सब उन वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं और कुछ सजेशन भी आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात, उससे लगता है कि हमारे लेक्चर काफी फ्रूटफुल होंगे स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जैसे बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग, मैं एक शॉर्ट में आप लोगों को बेंथम एंड हुकर के स्पर्मेटोफाइट्स को, जो एक डिवीजन था, उस डिवीजन को क्लासिफाई किया था हम लोगों ने किसमें, डाइकोट्स में, जिम्नोस्पर्मी में एंड मोनोकोट्स में। डाइकोट्स को फर्दर क्लासिफाई किया था हम लोगों ने पॉलीपेटली में, गैमोपेटली में और मोनोक्लेमाइडी में। इस पॉलीपेटली की सीरीज मैंने बताई थी कि थैलेमी फ्लोरी, डिस्की फ्लोरी, कैलिसी फ्लोरी, और यह बात भी बताई थी सुपीरियर से इंफीरियर की तरफ। इसी तरह गैमोपेटली की भी मैंने आप लोगों को ये तीन सीरीज बताई थी, इंफीरी, हेट्रोमेरी, बाइकार्पलेटी, लेकिन उल्टा इंफीरियर से सुपीरियर की। इन दोनों में दो वर्ल मिलते हैं, मैंने कहा था सेपल्स और पेटल्स दोनों मिलते हैं, पेटल्स फ्री, पेटल फ्यूज्ड, लेकिन इसमें एक ही वर्ल मिलता है और उस वर्ल की वजह से मोनोक्लेमाइडी कह रखा है। इसको ये सीरीज में डिवाइड किया हुआ था और लास्ट मैंने बताया था ऐसी फैमिलीज, ऐसे ऑर्डर्स जिसमें अबनॉर्मल फीचर है ऑर्डाइंस, एनोमलाई, एनोमलाई का मतलब ही अबनॉर्मल होता है, एनोमलस कैरेक्टर्स होते हैं, उनको इसमें रख दिया। लेकिन उससे जस्ट पहले अगर आप लोगों को याद हो, सी ट्रिपल एम डी ए यू, ये और सीरीज थी और इस सीरीज को मैंने कहा था यूनिसेक्सुअल्स है। ध्यान रखने की बात यह है कि इस बेंथम एंड हुकर ने बहुत सारी मेरिट्स के साथ साथ डीमेरिट्स भी अपने क्लासिफिकेशन में छोड़ी हैं। याद करो, इस मोनोक्लेमाइडी में भी मैंने बताया था, इस मोनोकोटिलिडनी में भी, कि इसने इसको इस सब क्लास में ना डिवाइड करके डायरेक्ट ही सीरीज में डिवाइड कर दिया था, जिसको एनएजी के नाम से मैंने बोला था। बात क्या है कि मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली बताओ इसकी होगी कि नहीं, मैंने कहा था रेनन्कुलेसी, और मोस्ट एडवांस डाइकोट फैमिली इसकी होनी चाहिए, लेकिन यहां पे भी उसकी डीमेरिट कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, कंपोजिटिव फैमिली में यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल दोनों तरह के फ्लावर होते हैं, ओवरी इंफीरियर होती है, और वहां पे याद करना सेपल्स हैं वो पेपस में हेरी स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाते हैं, लेकिन ये अपने पास इंफीरी, यरी भले ही वो कंपोजिटी, यहां पे भी इंफीरियर ओवरी, सेपल्स पेपस में मॉडिफाई हो गए, ये कंपोजिटी
यहां पे आती है जिसको एस्टरेसी कहते हैं। लेकिन जब भी कोई क्वेश्चन आता है आप लोग मोस्ट एडवांस फैमिली कौन सी है, मोस्ट एडवांस फैमिली हम कंपोजिटी कहते हैं, लेकिन कंपोजिटी का मेंबर ये यहां रहना चाहिए। यहां पे यूनिसेक्सुअल्स में फैमिली आप लोगों को मालूम है यूफोरबिएसी, उसमें भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है। उस यूफोरबिएसी में भी इंफीरियर ओवरी की बात करते हैं। इसके अलावा अल्ट्रिकेसी, अर्टिका डायोका जिसको बिच्छू बुट्टी कहते हैं, वो भी इसी में आती है। लेकिन कभी आप लोगों के पास कंपटीशन में कोई क्वेश्चन आता है कि मोस्ट एडवांस फैमिली कौन सी है, आप कहोगे कंपोजिटी। मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली कौन सी, रेनन्कुलेसी। तो अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर मोस्ट एडवांस फैमिली तो ये होनी चाहिए ना। क्यों कहते हैं हम लोग कंपोजिटी इज द मोस्ट एडवांस फैमिली, लेकिन पोजीशन इस कंपोजिटी की इस इन्फीरी के अंदर रखी हुई है। मैंने पिछले लेक्चर में केवल याद रखने के लिए आपको इस यूनिसेक्सुअल्स में कि मोस्ट एडवांस फैमिली यहां होनी चाहिए कंपोजिटी, बाकी इसके अंदर आती यूफोरबिएसी अर्टिकेसी है। इसी तरह अगर मोनोकोट्स की मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली ऑर्किडेसी, अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर ऑर्किडेसी है, और मोस्ट एडवांस फैमिली पोएसी है, लेकिन याद करो मोस्ट एडवांस क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन एंगलर एंड पेंटल्स क्लासिफिकेशन, उसने मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली किसको बोला, टाइफेसी को। टाइफेसी फैमिली इज द मोस्ट मोनोकोट प्रिमिटिव फैमिली। तो इसलिए अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग मोस्ट प्रिमिटिव और एडवांस फैमिली अलग अलग है, लेकिन इन जनरल जब भी क्वेश्चन आता है याद रखना रेनन्कुलेसी इज द प्रिमिटिव एंड पोएसी इज द एडवांस फैमिली, डाइकोट एडवांस फैमिली इज कंपोजिटी। ये दिमाग में अपने को रखना है। आज हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, जो बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करेंगे। और ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी कंफ्यूजिंग क्यों हो जाती है वो बात में मैं आप लोगों को बताऊं। सबसे पहले हम टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन देखी थी। क्या देखी थी कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, अगर मैं टैक्सोनॉमी की बात कर रहा हूं, प्लांट टैक्सोनॉमी नहीं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। लेकिन जब मैं प्लांट टैक्सोनॉमी की बात करूंगा तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, दैट इज द प्लांट टैक्सोनॉमी। लेकिन वर्ड जब सिस्टमेटिक आता है तब हम कहेंगे इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। उसके लिए वर्ड आ गया सिस्टमेटिक, चाहे इवोल्यूशनरी बेस हम लोग उनको अरेंज कर रहे हूं, दैट इज द सिस्टमेटिक। ये बात भी बताई थी, टैक्सोनॉमी टर्म एपीडी कैंडोले की और सिस्टमेटिक टर्म कैरलस लिनियस की दी हुई है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं ब्रांचेज की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से क्वेश्चन एक बनता है, व्हाट इज अल्फा टैक्सोनॉमी, व्हाट इज बीटा टैक्सोनॉमी, व्हाट इज गामा टैक्सोनॉमी, व्हाट इज ओमेगा टैक्सोनॉमी, व्हाट इज क्लासिकल टैक्सोनॉमी, व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। फिर साथ में सिस्टमेटिक की टाइप्स पे, व्हाट इज बायोसिस्टमेटिक्स, व्हाट इज न्यू सिस्टमेटिक्स, व्हाट इज बायोकेमिकल सिस्टमेटिक्स, व्हाट इज मॉडर्न टैक्सोनॉमी, व्हाट इज ओल्ड टैक्सोनॉमी, इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं। फिर फर्दर डिवीजन हम लोग देखते हैं, साइटोटैक्सोनॉमी, कैरियोटैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ये बात भी जब हम लोग करते हैं तो ऐसी बहुत सारी टर्म्स, एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी, डिस्क्रिप्टिव टैक्सोनॉमी, मैक्रो टैक्सोनॉमी, इस तरह की टर्म्स सारी आती है। आज हम लोगों को इस कंफ्यूजन को भी दूर करना है कि टैक्सोनॉमी के ब्रांचेज हैं क्या क्या। तो मैं सबसे पहले यहां पे हेडिंग डाल दूंगा ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी, आप लोग देख लो ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी। बताने की जरूरत नहीं है, टैक्सोनॉमी टर्म एपीडी कैंडोले की दी गई है।
और इसकी डेफिनेशन भी आप लोगों को मैंने पहले बता रखी है कि जब भी कोई टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन पूछता है तो अपने को आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन की बात करनी है। ये चीज पहले लिखा रखी है मैंने। लेकिन जैसे ही वर्ड ये सिस्टमेटिक आता है तो ये बात भी बता रखी कि सिस्टमेटिक टर्म कैरल स्ट्रीनियस की देवी है सिस्टम एंड नेचुरी बुक में, लेकिन इसका मतलब यह है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। उसके लिए हम बात करते हैं सिस्टमेटिक्स की। मेन जब ब्रांचेस की बात आती है तो एक वर्ड आता है अल्फा टैक्सोनॉमी, जिसको हम इस अल्फा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अल्फा टैक्सोनॉमी। इसी का दूसरा नाम डिस्क्रिप्टिव टैक्सोनॉमी। डिस्क्रिप्टिव टैक्सोनॉमी, एक एक चीज ध्यान से समझते जाना है कि व्हेन प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेस पे, अगर प्लांट्स को मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे क्लासिफाई करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं क्या, अल्फा टैक्सोनॉमी। बिल्कुल ऐसे ही है, आप लोग ध्यान रखना, जो डाइवर्सिटी में टाइप्स देख तो आप अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, ओमेगा डाइवर्सिटी या गामा डाइवर्सिटी, बिल्कुल ऐसे कैसे टाइप है। डाइवर्सिटी विद इन कम्युनिटी हम अल्फा कहते हैं, टू डिफरेंट कम्युनिटीज में हम लोग बीटा कहते हैं, और ऑल कम्युनिटीज के बीच में जो डाइवर्सिटी होती जिसको हम गामा कहते हैं। बिल्कुल ऐसे कैसे अल्फा टैक्सोनॉमी से एडवांस बीटा, बीटा से एडवांस जब हम लोग बात करेंगे तो गामा टैक्सोनॉमी है। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे क्लासिफाई हम लोग करते हैं तो वो टैक्सोनॉमी, तो अल्फा टैक्सोनॉमी, और उसी को हम लोग क्या, डिस्क्रिप्टिव टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। दूसरी बात करते हैं बीटा टैक्सोनॉमी, और बीटा टैक्सोनॉमी को ही मैक्रो टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। अल्फा टैक्सोनॉमी इज डिस्क्रिप्टिव एंड बीटा टैक्सोनॉमी इज मैक्रो टैक्सोनॉमी। बीटा टैक्सोनॉमी, व्हेन प्लांट्स आर क्लासिफाइड नॉट ओनली द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल, केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ही नहीं, उसके अलावा एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, एक्सेट्रा, इन कैरेक्टर्स के बेस पे अगर हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं बीटा टैक्सोनॉमी, और ये कहलाती है मैक्रो टैक्सोनॉमी। थर्ड, गामा टैक्सोनॉमी, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। बायोलॉजिकल टैक्सोनॉमी का मतलब यह हुआ व्हेन प्लांट्स आर क्लासिफाइड और लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग इंट्रा स्पेसिफिक पॉपुलेशन स्पेशिएशन एंड इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स। ध्यान देना, आप लोगों के पास एक वर्ड आया इवोल्यूशनरी,
तो हम लोगों ने जो तीन क्लासिफिकेशन देखे थे, आर्टिफिशियल वो कौन सा, अल्फा, नेचुरल वो कौन सा, बीटा, एंड फाइलोजेनेटिक वो कौन सा, गामा। तो एक तरह से ये अल्फा टैक्सोनॉमी वाला आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन हुआ, ये अपने पास एक नेचुरल क्लासिफिकेशन हुआ, और ये जो बात कर रहे हैं इवोल्यूशनरी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन हुआ। तो तीन बात तो ये कॉमन हो गई। अल्फा टैक्सोनॉमी का मतलब अपने को समझ में आ गया, केवल मोर्फोलॉजिकल, मोर्फोलॉजिकल के साथ एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल भी आ गए, वो अपने पास बीटा, और साथ में अगर इवोल्यूशन वर्ड आ गया तो अपने पास गामा टैक्सोनॉमी। दोनों के नाम अलग अलग बता दिए, डिस्क्रिप्टिव टैक्सोनॉमी है, ये अपने पास मैक्रो टैक्सोनॉमी है, और ये अपने पास बायोलॉजिकल टैक्सोनॉमी है। अगर मैं फोर्थ एक टाइप और बताऊं, ओमेगा टैक्सोनॉमी, ओमेगा टैक्सोनॉमी को ही एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है कि जो हम सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक कहते आए हैं, इस ओमेगा टैक्सोनॉमी के बाद ही बायोसिस्टमेटिक और न्यू सिस्टमेटिक टर्म्स का ओरिजिन हुआ है। ओमेगा टैक्सोनॉमी का मतलब यह हुआ, व्हेन प्लांट्स आर क्लासिफाइड नॉट ओनली द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फाइलोजेनेटिकल केवल मॉर्फोलॉजिकल फाइलोजेनेटिकल नहीं बट ऑन द बेसिस ऑफ इन दो के अलावा एनाटॉमिकल तो है ही, साइटोलॉजिकल है ही, लेकिन इकोलॉजिकल फाइटोजोग्राफिकल साइटोलॉजिकल एटसेट्रा। कहने का मतलब हम लोग इस इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स के अलावा और बहुत सारे ये पैरामीटर्स अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, नाउ दैट ब्रांच इज नोन एज ओमेगा टैक्सोनॉमी, और इस ओमेगा टैक्सोनॉमी के बाद ही हम लोगों के पास यह वर्ड आया एक न्यू सिस्टमैटिक्स। और बायोसिस्टमैटिक्स, और ये टर्म किसने दिए, टर्म्स जूलियन हक्सले की दीवी टर्म है न्यू सिस्टमैटिक्स एंड बायोसिस्टमैटिक्स। याद रखने की बात यह है कि न्यू सिस्टमैटिक्स और बायोसिस्टमैटिक का मतलब क्या हुआ, तो याद रखना टैक्सोनॉमी इन रिलेशन टू अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस जब हम लोग टैक्सोनॉमी को कोरिलेट करते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दूसरे साइंस के ब्रांचेस के बेस पे क्लासिफाई करते हैं, चाहे वो उनके केमिकल कंपोजिशन मींस केमिस्ट्री के बेस पे हो, चाहे वो मैथमेटिक्स के बेस पे हो, चाहे वो साइटोलॉजी के बेस पे हो, और इनकी वजह से ही याद करो अपने पास ब्रांच बनी तीन साइटोटैक्सोनॉमी, ब्रांच बनी अपने पास न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ब्रांच बनी अपने पास साइटोटैक्सोनॉमी और कैरियोटैक्सोनॉमी। तो इस तरह से अगर हम लोग प्लांट्स को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या एनिमल्स को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर
साइंस की दूसरी ब्रांचेज को कंसिडर करते हुए अगर क्लासिफाई करते हैं, दैट इज द न्यू सिस्टमेटिक्स और बायोसिस्टमेटिक्स। और उन न्यू सिस्टमेटिक्स और बायोसिस्टमेटिक्स को ही ध्यान में रखते हुए अगर मैं आप लोगों को कहूं कि व्हाट इज कीमोटैक्सोनोमी, तो कहेंगे हम लोग कि इसी का दूसरा नाम है बायोकेमिकल सिस्टमेटिक्स। बायोकेमिकल सिस्टमेटिक्स, इफ प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन के बेस पे, चाहे अमीनो एसिड्स की बात करें, प्रोटीन्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, लिपिड्स की बात करें, किसी भी केमिकल कंपोजिशन के बेस पे अगर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या प्लांट्स की बात करें उसे क्लासिफाई करते हैं तो दैट इज नोन एज कीमोटैक्सोनॉमी। इसके अलावा जब साइटोटैक्सोनॉमी का नाम आता है तो नाम से ही पता चल रहा है, वेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम्स के नंबर के बेस पे, स्ट्रक्चर के बेस पे, बिहेवियर के बेस पे, सेल की स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफाई करते हैं, दैट इज नोन एज साइटोटैक्सोनॉमी। और याद रखना पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अंदर जो ये क्रोमोसोम्स हैं उन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के बेस पे क्लासिफाई करते हैं तो इसी को नाम हम लोग कैरियोटैक्सोनॉमी भी दे देते हैं। इसी तरह लास्ट एक इंपॉर्टेंट और टर्म देखते हैं, क्या न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को ही याद रखना फेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग टैक्सीमेट्रिक्स भी कहते हैं, नाम से मैंने मैथमेटिकल जैसे नाम लिया उसी से पता चल रहा है कि अगर हम लोग प्लांट्स को किसके बेस पे क्लासिफाई करें उनकी सिमिलरिटीज, डिसिमिलरिटीज, प्रिमिटिवनेस, एडवांसमेंट, इन करेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, बहुत सारे करेक्टर्स को अगर हम लोग शामिल करते हुए, या मैं कहूं व्हेन प्लांट्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर डेटा बेस्ड क्लासिफिकेशन इज नोन एज न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। बहुत सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हम लोग कंसिडर करते हैं और उन कैरेक्टर्स को ये सारे सिमिलरिटीज, डिसिमिलरिटीज, प्रिमिटिव, एडवांस कैरेक्टर्स के बेस पे कंप्यूटर में फीड करते हैं और उन न्यूमेरिकल नाम इसलिए दिया, मैथमेटिकल नाम इसलिए दिया कि बहुत सारे कैरेक्टर्स के बेस पे अगर हम लोग प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं दैट इज नोन एज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, फेनेटिक्स एंड टैक्सीमेट्रिक्स। इसी में एक चीज और आती है फिर कि क्लेडिस्टिक क्या है, एक वर्ड आता है क्लेडिस्टिक, तो क्लेडिस्टिक का मतलब ही याद रखना एक ग्रुप होता है जिसको क्लेड कहते हैं। इस तरह से इस क्लेडिस्टिक में कॉमन एंसेस्टर के बेस पे कि सबका उस कॉमन एक एंसेस्टर कौन सा था, कौन से कैरेक्टर्स थे,
जैसा ट्री बनता है एक मेन ट्रंक कॉमन एंसेस्टर, फिर उसकी ब्रांचेस निकलती है, वेरिएशन आए फिर वेरिएशन आए, उस तरह से एक अगर ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनती है उसको नाम देते हैं क्लेडोग्राम, डेंड्रोग्राम। लेकिन ये क्लेडिस्टिक जो क्लासिफिकेशन होता है, टैक्सोनॉमी होती है, वो इसके इवोल्यूशनरी बेस्ड होती है, इसलिए याद रखना इसको हम लोग फाइलोजेनी के नाम से भी जानते हैं। क्लेडिस्टिक और फाइलोजेनी एक ही बात है। क्लेडोग्राम जो उसकी ट्री नेचर बनाते हैं या उसके क्लेड्स को ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को देखते हुए क्लासिफाई करते हैं तो वो क्लेडोग्राम और डेंड्रोग्राम कहलाता है। लास्ट में बस मैं आप लोगों को ये दो टर्म और बताता हूं, एक क्लासिकल टैक्सोनॉमी ये देखो और एक मॉडर्न टैक्सोनॉमी। क्लासिकल टैक्सोनॉमी याद रखना, इस क्लासिकल टैक्सोनॉमी को ही हम लोग ओल्ड टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। क्या यही सिस्टमैटिक है, यही सिस्टमैटिक है कि इसमें हम लोग इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स को कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए क्लासिकल टैक्सोनॉमी अपने पास नेचुरल जो क्लासिफिकेशन है वो इसी में कंसीडर करते हैं, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट करेक्टर्स तो हम लोग ले लेते हैं इवोल्यूशनरी और जेनेटिक रिलेशनशिप को छोड़ के, तो ये ओल्ड टैक्सोनॉमी इज सिस्टमेटिक और ये क्लासिकल टैक्सोनॉमी कहलाती है। लेकिन जब बात करते हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमी की, तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी तो न्यू सिस्टमैटिक्स है, ये तो एक बीटा गामा टैक्सोनॉमी है जिसमें इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हैं। कहने का मतलब क्लासिकल में केवल मॉर्फोलॉजिकल, चाहे वो एक्सटर्नल अपीयरेंस वाले एनाटॉमिकल फीचर्स और वो कोई भी हो, लेकिन यहां पे आप लोग देखोगे बायोलॉजिकल, कहने का मतलब उसके इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट को कंसीडर करते हैं, तो वो टैक्सोनॉमी मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहलाती है। न्यू सिस्टमैटिक्स इसके ही बायोसिस्टमैटिक इसी में आते हैं, और क्लासिकल टैक्सोनॉमी में नेचुरल क्लासिफिकेशन सारी नेचुरल एफिनिटीज के बेस पे जो क्लासिफाई करते हैं वो करेक्टर जिसमें इवोल्यूशन का कोई लेना देना नहीं है क्लासिकल टैक्सोनॉमी कहलाती है। इस तरह से आज हम लोगों ने ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी देखी है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग आगे इस टैक्सोनॉमी में फर्दर जो टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं, जो टैक्सोनॉमिकल टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, चाहे वो हर्बेरियम हो, चाहे वो आप लोग बोटनिकल गार्डन्स हो, उनकी बात करेंगे। थैंक यू।